थैंक्स फ्रेंड फ्रेंड्स, मैच आप लोगों के लिए श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो फिफ्थ और लास्ट ODI मैच है उसकी मैं आप लोगों के लिए ड्रीम इलेवन टीम साथ ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आई हूँ, तो सारी न्यूज मैं आपको सेक्शन वाइज देता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बता दूं फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर सभी मैचों की ड्रीम इलेवन टीम डाली जाती है। सबसे पहले बात करूँ विकेट कीपर सेक्शन की, तो यहाँ पर मैंने क्विंटन डिकॉक को पिकअप किया है। हालांकि निरोसन डिकवेला भी इस सीरीज में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट क्विंटन डिकॉक इनसे थोड़ा ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं। दोनों ही प्लेयर्स इस सीरीज में ओपन कर रहे हैं, तो क्विंटन डिकॉक तो पहले से ओपनिंग करते थे, बट निरोसन डिकवेला मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे, बट इन्होंने इस सीरीज में ओपन की है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मैं निरोसन डिकवेला के साथ भी आप स्मॉल लीग में जा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करूँ उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लाइक करने पर ही मेरी मेहनत का फल टिका हुआ है, तो लाइक करने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बता दूँ, हासिम अमला को मैंने पिकअप किया, एंजेलो मैथ्यूज, कुशाल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, इसके अलावा रिजा हेंड्रिक्स को मैंने पिकअप किया है। बता दूँ इससे जो पहले वाला मैच हुआ था लास्ट मैच में तो ये नहीं चले, बस उससे पहले वाले मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी। इसके अलावा डेविड मिलर हैं, वो तूफ़ानी प्लेयर हैं, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बेहतर रहेंगे। बात करूँ कुशाल मेंडिस की, तो ये भी कभी कभार चल रहे हैं, तो ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बेहतर रहेंगे। उपुल तरंगा इस सीरीज में लास्ट मैच में थोड़ा 20+ दिए, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप रहे, तो इनको भी पिकअप करना स्मॉल लीग के लिए रिस्क होगा। अब ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जॉन पॉल डोमिनी और तिसारा परेरा को पिकअप किया है। अगर आप एंजल फलकवायो को पिकअप करना चाहते हैं तो यहाँ से रिजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप करके एंजल फलकवायो को पिकअप कर दें, बट ये उतना क्रेडिट आपको इतना पॉइंट नहीं दे पाएंगे। अगर कहीं रिजा हेंड्रिक्स चल जाते हैं तो ये आपको ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं, तो आप समझ लीजिए। जिसको धनुष सनाका और विलियम मल्डर, ये भी आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बेहतर ऑप्शन रहेंगे। अब फ्रेंड्स बता दूं, अगर आप ड्रीम इलेवन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्रिकेट का आप जरा सा भी नॉलेज रखते हैं, तो बता दूं फ्रेंड्स आप माई स्टार इलेवन को ट्राई करिए। काफ़ी अच्छी फैंटसी ऐप है, ड्रीम इलेवन से कई गुना अच्छे फीचर्स रखती है। सबसे अच्छा फीचर इसका ये है कि आपको जो भी हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक और रेफरल कोड से साइन अप करेंगे तो आपको 100 रुपये जो बोनस मिलेगा, उस बोनस का 50% आप यूज किसी भी लीग को ज्वाइन करने में यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे 100 रुपये आपको मिला, 100 आप अपने पास से ऐड करके 200 रुपये वाली किसी भी स्मॉल लीग, हेड टू हेड लीग या ग्रैंड लीग, किसी भी प्रकार की लीग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ लेस कंपटीशन की वजह से आप बहुत ही ईजिली विनिंग कर सकते हैं। बता दूँ लास्ट मैच में जो मदुरई पैंथर्स वाला मैच था, वहाँ तो मैंने एक स्मॉल लीग ज्वाइन की थी, तो उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। इसके अलावा मैंने ग्रैंड लीग भी ज्वाइन की थी जिसमें मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी, 26 रैंक आई थी। तो यहाँ पर मैंने 3-4 टीमें उतारी थी, तो उसमें मेरे से एक टीम की 26 रैंक आई थी, जिससे मैंने काफ़ी अच्छी खासी बिलिंग कर ली। तो जाकर आप इसमें माइस्टार इलेवन को ट्राई करिए, काफ़ी अच्छी फैंटसी ऐप है। अगर आपको यहाँ पर अपना ड्रीम इलेवन वाला लॉस कवर करना है तो जाकर तुरंत ही आप इसमें ट्राई करिए। सुरंगा लकमा, अकेला धनंजय और मैंने लुंगी अंगेड़ी को यहाँ पर पिकअप किया। बता दूँ तरवीज शमसी को लास्ट मैच में नहीं खिलाया गया, इनके स्थान पर जूनियर डाला को मतलब चांस दिया गया, बट जूनियर डाला फ्लॉप रहे, तो तरवीज शमसी के इस मैच में वापसी के चांसेस थोड़े हाई लग रहे हैं। कास्कोरावाड़ा आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, बाकी जो ऑप्शंस बचते हैं वो सभी ग्रैंड लीग के लिए बेहतर रहेंगे। कैप्टन के लिए मैंने क्विंटन डिकॉक और वाइस कैप्टन के लिए मैंने जॉन पॉल डोमिनी को पिकअप किया। आप यहाँ से हासिम अमला, इसके अलावा धनंजय डी सिल्वा को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन और कुशाल परेरा को भी बना सकते हैं। तो ये फ्रेंड ड्रीम इलेवन टीम होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर अभी इस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पेयर के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वरना आप अपना अलग से कैप्टन और वाइस कैप्टन क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।